अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि आप टेक्स्ट पे रेज कैसे लगा सकते हैं। काइनमास्टर को ओपन करें, क्रिएट न्यू और मीडिया पे जाएं, लेयर सेलेक्ट करें, बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड, इसकी ड्यूरेशन अपनी मर्जी के हिसाब से करें। लेयर पे जाएं और टेक्स्ट पे आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी आपने लिखना है इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। कलर भी आप अपनी चॉइस के हिसाब से लगाएं और फॉन्ट भी अपनी मर्जी का सिलेक्ट करें जो आपको अच्छा लगे। इसकी ड्यूरेशन भी ऊपर वाली लेयर के बराबर कर दें। फिर लेयर पे जाएं, इफेक्ट पे जाएं, इफेक्ट स्टोर पे जाएं, स्पीरियल ब्लर चूज करें, इसको इंस्टॉल कर लें। मेरा पहले ही इंस्टॉल्ड है तो आप इसे सिलेक्ट करें और इसका फ्रेम जो है फिट कर दें। ड्यूरेशन इसकी भी ऊपर वाली लेयर के बराबर कर दें। सेटिंग पे जाएं, स्ट्रेंथ जो है इसकी आपने 10 पे रखनी है। ये जैसे मैं सेटिंग कर रहा हूँ बिल्कुल सेम आप वैसे कर दें। ये भी वैसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे सेटिंग कर दें आप जहाँ पे आपको अच्छा लगे। आप टेक्स्ट वाली लेयर पे जाएं और की पे प्रेस करें। ये इतनी ड्यूरेशन आप बना दें। ये भी ऐसे की पे प्रेस करके प्लस दबाएं। फिर नीचे वाली लेयर पे आए, नीचे वाली लेयर पे सिलेक्ट करें और की फिर दबाएं और ड्यूरेशन जो अपनी मर्जी के हिसाब से मुख्तलिफ जगहों पे आप सेट कर दें। और इसके इफेक्ट बनाएं, बैक जाके इसका भी इफेक्ट बनाएं, मुख्तलिफ तरीके से इफेक्ट बनाएं। ओके करते हैं, प्ले करके देखते हैं कैसा बना है। ये देखें प्ले हो गया है, बहुत अच्छा बना है। अब इसको सेव कर लें। अब वापस गैलरी में जाके देखते हैं सेव हुआ है या नहीं। गैलरी ओपन करें और ये फर्स्ट में ये प्ले करें। ये देखें बहुत अच्छा प्ले हो रहा है, बहुत अच्छा बना है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यही मेथड इस्तेमाल करके जैसा चाहें बना सकते हैं।